ओम शांति मेरे शरीर का नाम बी के खेम सिंह ठाकुर मैं आज अपने जीवन की आसुरी दुनिया से लेकर देव तुल्य दुनिया की बातें शेयर करने जा रहा हूँ बात 1990 की है 20 जुलाई 1990 से पहले मेरे जीवन की जो रूपरेखा थी जो दिनचर्या थी वो बहुत ही आसुरी थी मेरी संघ सोसाइटी मित्रवर्ग सभी आसुरी दुनिया के थे हम लोग हफ्ता दस दिन तक भी शराब मीट मछली बीड़े सिगरेट चर्स गांजा सभी नशों का प्रयोग करते थे और कई बार तो हमारे मित्रवर्ग दो तीन जो है हमारी जुंडली के लगभग बेहोशी रहते थे और कई बार हमें कई जड़ी बूटियों का प्रयोग करने के बाद उन्हें होश में लाना होता था जब हम नशे में होते थे तो हम लोग लड़ाई झगड़ा भी करते थे दंगा प्रसाद भी करते थे साथ में स्मगलिंग का काम करके हम अपना जीवन यापन करते हुए अपना पेट भरते थे और एंजॉय करते थे कुछ गांव में तो हमारे आने की जो दस्तक मिलती थी तो वो लो लोग डर के मारे उस गांव में हमारा वेलकम बहुत अच्छे से करते थे क्योंकि आज ये हमारे गांव में कौन सा तांडव करने वाले हैं और आते ही उन्होंने बड़े अच्छे से हमारा स्वागत करना और हमारे लिए वही आसुरी खान पान वही आसुरी भोजन हमारे सामने पेश करना और हमारी सेवा करनी और हो सकता था कि हम जिस गांव में प्रवेश करते थे वो दो तीन गांव दो तीन दिन के लिए उसी गांव में हम बहुत कुछ गलत काम करने बैठ जाते और आसुरी हिम्मत हमारे अंदर इतनी होती थी कि एक दो व्यक्ति भी गांव के सौ डेढ़ सौ लोगों के साथ कई बार हमारे लड़ाइयाँ लड़ी झगड़े करते थे और जोगिंद्र नगर जो हमारा पुलिस स्टेशन था उनके लिए भी नाक में दम कर रखा था और उसी बीच में कई हादसों के बीच में मैं तीन बार हवालात में जेल में भी रहा और बाद में जो बात कर रहा था बीस जुलाई 1990 नब्बे की तो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा के दो शांति दूत हमारे गांव में आए हाँ मैं इतना ज़रूर मानता था कि हम इतना उदृढ़ करने के बाद इतना गंदा जीवन व्यतीत करने के बाद हमारे अंदर एक सच की लाइट जरूर थी कि हम सत्य का साथ देते थे और साथ में अपने लिए बुरे थे मगर दुनिया के लिए हम अच्छे भी थे कई जगह हम लोग सच के पीछे लड़ाइयाँ लड़ते थे माताओं बहनों की बड़ी कदर करते थे वो अंश मात्र लाइट शुद्धि शायद ही हमें वो परमपिता पिता परमात्मा ने दो शांति दूत भेजे और मुझे 20 जुलाई 1990 को उनसे जो संदेश मिला और एक भाई ने मुझे एक टोंट किया कि भाई आपका जो लिबास है काले रंग के कपड़े पहनते थे काले रंग की बड़ी बड़ी दाढ़ी होती थी माथे में एक तिलक लगा होता था कानों में भी तिलक निशान लगे होते थे और उसने मजाक में कहा कहीं आपका जितना आपने ये कपड़े और ये वेश काला बना रखा है कहीं आपका अंदर भी इतना काला तो नहीं है मुझे वो बड़ी ठेस पहुंची क्योंकि जो सच की लाइट जो सच का मैं साथ देता था उनके शब्दों ने ठेस दी और उनके साथ हमने कुछ सत्संग शेयर किया शाम के साढ़े पाँच बजे की बात है कि हम एक जंगल के बीच से गुजर रहे थे रास्ते में उन्होंने कहा कि भाई हमारा तपस्या तो का टाइम हो गया है साढ़े पाँच बजे हमारा पूरा भारतवर्ष में एक ट्रैफिक कंट्रोल होता है परमात्मा को याद हम तीन पाँच मिनट करते हैं मैं भी उनके साथ बैठ गया और उसी घड़ी उसी जंगल के बीच में मैं पाँच मिनट के लिए कहीं खो गया और असीम शांति की प्राप्ति हुई और निरसंकल्प हो गया कुछ ऐसी अनुभूति हुई शाम को उन दोनों दूतों को उसी जंगल के बीच में एक रेस्ट हाउस था और उन्होंने वहाँ रहने की इच्छा जताई मैंने चौकीदार को ऑर्डर किए और डर के मारे चौकीदार ने अपने रेस्ट हाउस के सेट खोल दिए और रहने की अनुमति दे दी और मैंने उसे उनके सेवा के लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था के ऑर्डर कर दिए उतने में उन भाइयों ने कहा कि हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते हैं हम खुद बना कर खाते हैं फिर मैंने चौकीदार को बना कर दिया ये जब बनाएंगे और मैं उसी घड़ी कुछ ऐसे महसूस किया और बाहर गया और जाकर मैंने खूब सिगरेट पी और उस सिगरेट भी मैंने एक छोटी सी दुकान टाइप की झोंपड़ी थी कुछ दूरी पर उसके वहाँ पर मैंने उसको छुपा के रख दिया और मैंने छोड़ दी और मैं आया और स्नान किया और एक प्रण जैसा किया कि आज से बाद मैं इन चीज़ों को नहीं ले लूँगा और वही 20 जुलाई उन्नीस का दिन मैंने मेडिटेशन सीखा और उसके बाद एक भी दिन नहीं मैंने बेस्ट किया कि मुझे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो ज्ञान योग धारणा सेवा का जो सब्जेक्ट है उनका मैंने पालन ना किया हो और उसी दिन से मेडिटेशन के द्वारा मेरे अंदर की सारी बुराइयाँ निकल गई सब ये नशे की लत छूट गई क्रोध खत्म हो गया और ठीक उससे तीन दिन के बाद हमारे एक पालमपुर में मकान का उद्घाटन था दादी चंद्रमणि जी वहाँ आई थी और वहाँ जाने का विचार बन गया और मैंने आते हुए दूसरे दिन जब अवरेस्ट हाउस से आए तो जोगिंदर नगर सेंटर में उन भाइयों ने मुझे कहा कि ये हमारा आश्रम है और वहाँ मैं गया तो वहाँ एक बहन थी कन्या थी उसने मुझे आत्मा का पाठ पढ़ाया तो मुझे लगा अंदर से अहंकार था कि ये मुझे क्या बता रही है मगर साथ में वो सूक्ष्म ज्ञान जब देने लगी तो मैं थोड़ा अंदर से जागृत हो गया कि कहीं मेरे से प्रश्न ना पूछ ले कि आत्मा क्या है तो मुझे पता नहीं है और मैंने वो पहला पाठ पढ़ा और जब मैं नीचे आ रहा था तो आदरणीय दीदी सावित्री दीदी जी जब अमृतसर से वापस आ रहे थे तो ये पौड़ियों पर मुझे मिले और इन्होंने अपने साथ सामान लिया हुआ था और सामान को मैंने इनसे पकड़ा उठाया और अपने कंधे के ऊपर और सिर के ऊपर रखा और मैं सेंटर में ले आया तो बाद में आदि दीदी जी कहती है कि मुझे लगा कि वो भाई जल्दी जल्दी चला गया कहाँ चला गया कहीं चोर तो नहीं था सामान लेकर कहाँ भाग गया होगा मेरी शक्ल सूरत से लगता था कि कोई गुंडा है चोर है बाद में दीदी कहती है कि बाद में मैंने देखा नहीं सामान मेरा सुरक्षित है और उसके बाद में वहाँ से चला गया और मुझे अंदर से ये लग रहा था कि ये ये जो भावना है ये लोगों का जो मेरा हुलिया है उसे चेंज करने की ज़रूरत है और मैंने किसी से सफेद रंग के कपड़े मांगे और काले कपड़े फेंक दिए और वो मैंने कपड़े सफ़ेद उसी दिन से पहन लिए और दाढ़ी मैंने कटवा ली और पालमपुर में जो सेंटर का उद्घाटन होना था जहाँ आदरणीय चंद्रमणि दादी जी आनी थी वहाँ पहुँच गए तो हकीकत में दूसरी अनुभूति मुझे पालमपुर उस उद्घाटन दिवस के ऊपर हुई क्योंकि आदरणीय अचल दीदी जी चंडीगढ़ से वहां पधारे थे और उन्होंने एक कमेंट्री कराई और कमेंट्री के बीच में वहां डेढ़ दो सौ लोग थे पूरे हिमाचल की बहनें ब्रह्मा कुमारी बहनें वहाँ पधारी हुई थी और जब उन्होंने कमेंट्री कराई तो मैं एक आत्मा हूँ और इस शरीर के बीच ब्रिकुटी के बीच में विराजमान हूँ और मैं सूर्यचंद तारागण से कई पार रहती हूँ वैसे वैसे वो कमेंट्री करते गए और मैं आत्मा भी वैसे वैसे ही वहाँ पहुँचती गई और काफ़ी समय के बाद मुझे थोड़ा सा अंदर से एहसास हुआ कि वो जो पब्लिक थी वो मुझे देख रही होगी और मैं कहीं उड़ रहा है तो मेरा तो तमाशा बन गया होगा जब मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखा वो सब भी लोग वहाँ जो है मेडिटेशन कर रहे थे तो मुझे लगा कि मैं डिटैच हुआ शरीर से डिटैच हुआ आत्मानुभूति हुई और अपने असली घर को मैंने देख लिया और उसके बाद मैंने ज्ञान योग धारणा सेवा का जो नियम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में उसको अपने जीवन में पूरी तरह ढाल लिया लगभग लगभग एक वर्ष होने को आया मुझे माउंट आबू अठारह जनवरी को बाबा के घर में जाना था कार्यक्रम अठारह जनवरी का देखना था अचानक मेरा कैंसिल हो गया अंदर से मुझे बड़ी फीलिंग आने लगी कि आज तो मैं माउंट आबू में जहाँ परम पिता परमात्मा का अवतरण भूमि है उनका अवतरण दिवस है तो मुझे तो माउंट आबू में होना चाहिए था और मैं जोगिंदर नगर में एक मकान में रुका था वहीं मुझे ठीक शाम को लगभग साढ़े सात बजे जैसे मैं रूम के अंदर प्रवेश किया तो आशी बाबा की पद्रवणी हो गई और पद्रवणी हुई और मैं भा विभोर हो गया मैं चार जोने लगा मैं गद गद हो गया और जो माउंट आबू जाने से जो अनुभूति होनी थी मुझे बाबा ने यहीं पर ही करा दी करीब करीब आधा घंटा में उसी अनुभूति मेरा मुझे बड़ी शक्ति मिली और उसके बाद भी एक बार मुझे जो पांडव भवन माउंट आबू में बाबा का शांति स्तंभ बनाया गया है शांति स्तंभ का साक्षात्कार मुझे यहाँ हुआ जब बाद में नेक्स्ट ईयर में माउंट आबू गया तो मुझे वही शांति स्तंभ जो है फिर वहाँ जाकर जो मैंने प्रैक्टिकल में देखा तो घर बैठे मुझे अनुभूति हुई फिर ब्रह्म बाबा दो बार मुझे मेरे कमरे के अंदर आए और मुझे बहुत सारे ऐसे वाइब्रेशन दिए ऐसे कोई ऐसी भाषा बोली जिससे मुझे और पावर मिलती गई और उसके साथ साथ जो ब्रह्म बाबा से मुझे पावर मिलने लगी वही मुझे आदरणीय सावित्री दीदी जो हमारे सेंटर के इंचार्ज थे उनकी पालना से मिलने लगी और मैं उनके साथ हर बार शेयर करता हुआ अपना सर्टिफिकेट उनको देता हुआ जीवन बिताने लगा और मेरे घर वाले जो मेरी हरकतों से बहुत दुखी थे मेरा समाज हमारी हरकतों से बहुत तकलीफ में था उन्हीं को प्रेरणा का मैं स्रोत बन गया और मैंने एक अभियान के रूप में हजारों भाई बहनों को नशा मुक्ति का संदेश दिया सेवाएं की और बहुत सारे स्कूलों में कॉलेजों में इंस्टीट्यूशनों में हमने ये राज योगा मेडिटेशन का संदेश दिया जिससे उन बच्चों का भविष्य सुधार हो सकता है और नशा मुक्ति के लिए समाज को प्रेरणा मिल सकती है और साथ में मुझे अपने पंचायत का सरपंच बनने का मौका मिला एक बिगड़ा हुआ इंसान एक आदर्श गांव के लिए स्थापना के निमित्त बना और अपने गांव के सेवा के लिए मैं आगे आया और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का संदेश वहाँ अपने पंचायत में अपने एरिए में दिया मेरे कुछ अपने कायदे कानून जो ब्रह्मा कुमारी के हैं उनको देखते हुए मुझे पूरे ज़िला मंडी का एक ईसी मेंबर बनाया गया जिसका चेयरमैन डीसी होता है उसके माध्यम से मैंने पूरे जिला मंडी में जो हमारा राजयोग मेडिटेशन की बात तो साथ में आध्यात्मिकता को जोड़ते हुए शेयर किया मगर जो समाज के कार्यक्रम थे उसके बीच में संपूर्ण स्वच्छता अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान डिजास्टर मैनेजमेंट का कार्य सामाजिक सुरक्षा का कार्य का उसके अनुकूल पूरे जिला मंडी में प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक स्कूलों में जाने का मुझे मौका मिला बाबा ने निमित्त बनाया वहाँ जाकर भी मैं बाबा का संदेश देने का फुल चांस मिला इस तरीके से जहाँ मैं आसुरी दुनिया में रहता था जहाँ मेरा जो स्वभाव बिगड़ा हुआ था आज वही स्वभाव स्वभाव परम पिता परमात्मा शिव बाबा की तरफ से ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के निमित्त टीचर बहनों की तरफ से और जो ज्ञान युग धारणा सेवा के निमित्त जो कायदा बना हुआ है उन सब्जेक्टों को धारण करने से आज मैं अपने को खुशी में महसूस करता हूँ सुख महसूस करता हूँ आनंद की अनुभूति महसूस करता हूँ कि मैं हर तरफ से शुद्ध पवित्र होता हुआ देवतुल्य दुनिया की स्थापना के कार्य में निमित्त भी बना हूँ और वहाँ जाने के लिए एक उमंग एक उत्साह एक खुशी उस संसार में पहुँचने के लिए जो आज हम पुरुषार्थ कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं अपने साथ बहुत सारी दुनिया को ले जाने का भी उमंग रहता है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हमारी कर्मेंद्रियाँ कैसे कंट्रोल में आती है आत्मा कैसे चार्ज होती है आत्मा के द्वारा सभी कर्मेंद्रियाँ हमारी जो है ऑर्डर प्रमाण चलती है तो हमारे द्वारा विकर्म नहीं बनते हैं जब विकर्म नहीं करेंगे हमसे सुकर्म होंगे तो दुनिया वालों से हमें दुआएं मिलेगी पुण्य कर्म करेंगे जैसा बीज बीजेंगे वैसा काटने को मिलता है तो इस तरीके से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय आज एक हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर में ही नहीं बजाय हिमाचल प्रदेश में हर तहसील में हर ब्लॉक में और गांव-गांव में गीता पाठशालाएं खोलकर समाज की सेवा कर रहा है उसी अनुसार पूरे भारतवर्ष के साथ साथ समूचे संसार में एक देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आदि देवता सनातन धर्म की स्थापना कर रहा है और एक भविष्य में सुख में संसार जिसे सनातन धर्म कहते हैं जिसे सत्यु कहते हैं उसकी स्थापना के निमित्त बना हुआ है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ओम शांति ओम शांति